हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी सारे लोगों की मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप प्लीज़ कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए जिसमें आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, लोग नए नए जॉब्स के सर्च में हैं, काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस भी बंद पड़ गया है। तो मैंने सोचा आज मैं आप सबके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैं आप सबके लिए पावरफुल रेमेडीज शेयर करूंगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, जॉब अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, और आगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो आगे की अपॉर्चुनिटीज है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन, काइंडली ईमेल मी एट ekta.khodkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। तो चलिए अब मैं आप सबके साथ सबसे पहला पावरफुल उपाय शेयर करती हूँ, और वो है नौकरी मिलने के लिए। जितने भी लोग अच्छी नौकरी के तलाश में हैं उन सब ने इस उपाय को ज़रूर करके देखना चाहिए। याद रखिए कि जब भी आप उपाय करेंगे तो पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से कीजिएगा, तभी आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ पेशेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के बाद टाइम लगता है उन चीज़ों को मटेरियलाइज होने में, तो तब तक आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते हैं। उपाय बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से इस उपाय को स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल में आपने 4 चम्मच खाने का तेल लेना है। उस तेल में आपको 11 काली उड़द के दाल के दाने ऐड करने हैं, और उसके साथ साथ चुटकी भर नमक ऐड करना है। बस ये 3 चीज़ें आपको एक बॉटल में भरनी है। उसके बाद बुधवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद हनुमान जी के दोनों पैरों के ऊपर उस तेल को आपको चढ़ाना है, यानी अर्पण करना है। और उसके बाद हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है कि आपको नई नौकरी बहुत आसानी से मिल जाए, बहुत जल्दी मिल जाए, और उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना आए। और ये उपाय आपको 11 बुधवार तक, यानी 11 वेनसडेज तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपको अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। जब भी कोई भी अपने घर से धन संबंधी यानी पैसों से रिलेटेड काम करने के लिए घर से बाहर निकले, तब उन्होंने अपने राइट साइड के पॉकेट में 5 क्लोव्स यानी 5 लौंग ज़रूर रखनी चाहिए। याद रखिए कि जब भी आप लौंग का यानी क्लोव्स का इस्तेमाल करेंगे तब वो टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो अखंड होनी चाहिए। तो ऐसी 5 लौंग जो है उन्हें आपको अपने राइट साइड के पॉकेट में रख देना है। उसके बाद ही घर से निकलना है कोई भी पैसों का काम करने के लिए। ऐसा करने से आप जो भी काम करने के लिए जाएंगे वो आपका सक्सेसफुल होगा, और उस काम में कोई भी रुकावटें और अड़चनें नहीं आएगी। अब मैं आप सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल उपाय बताती हूँ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। याद रखिए, ये जो उपाय है ये बहुत ज़्यादा टफ है करने में, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे और बहुत ही जल्दी मिलेंगे। उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से 16 बार एक आसन पर बैठ के श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त ये माँ लक्ष्मी जी का बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। हर कोई इस स्तोत्र के बारे में अवेयर है, जानता है। तो अगर आपको लर्न नहीं है तो आप सामने कोई बुक रख सकते हैं, या आपको इंटरनेट से भी ये इजीली मिल जाएगा। तो आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को स्टार्ट करना है, और एक आसन पे बैठ के यानी बिना उठे एक ही आसन पे बैठ के लगातार 16 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। और ये रोज करना है 16 बार, और ये करना है आपको 16 महीनों तक। तो याद रखिए, आपको ये जो रिजल्ट्स मिलेंगे ये 16 महीनों के बाद मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे, और काफ़ी सारे लोगों को इसके वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। आपको एक ही बार में एक आसन पे बैठ के 16 बार श्री सूक्त का पाठ करना है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से लेकर अगले 16 महीनों तक। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और आपके जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे।
अगर आप सबको पैसों की बहुत ज्यादा तंगी महसूस हो रही हो तो ऐसे में धन संबंधी सफलता के लिए मैं आप सबको एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताती हूँ। ये करने में बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आपको क्या करना है, हर सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध से और पानी से अभिषेक करना है। शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो जाने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार वहीं पे बैठ के जाप करना है और ऐसा आपको हर सोमवार को करना है। और इसके साथ साथ ही यानी जब आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना स्टार्ट कर देंगे तब उसके साथ साथ ही आपको एक और उपाय करना है और वो है कि हर महीने में जो पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी यानी फुल मून पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरा आपको दिखाई दे उस समय पे एक चांदी के पात्र में, अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो डेफिनेटली आप स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर कीजिएगा कि छोटा सा ही सही चांदी का कोई भी पात्र, चांदी की कटोरी, चांदी का ग्लास या फिर लोटा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो उस चांदी के पात्र में आपने थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी ऐड करना है और उससे आपको उस चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जैसे हम लोग सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं उसी प्रकार आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है, लेकिन याद रखिएगा चंद्रमा को डेली अर्घ्य नहीं देना है, सिर्फ हर पूर्णिमा की रात को देना है जब आपको चंद्रमा दिखाई दे। और अर्घ्य देते वक्त आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। ये दोनों उपाय अगर आप एक साथ करते हैं तो इससे आपकी जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सारी कुछ दिनों के अंदर ही दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास निरंतर रहे तो इसके लिए मैं आप सबको एक बहुत ही आसान और पावरफुल प्रयोग बताती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये उपाय आइडियली आपने हर शनिवार को करना है और उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको एक लोहे का पात्र लेना है और उस लोहे के बर्तन में आपने थोड़ा थोड़ा पानी, कच्चा दूध, शक्कर और घी मिक्स करना है और ये चारों चीज़ें मिक्स करने के बाद उसे पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पण कर देना है। ये उपाय आप अगर लगातार कुछ शनिवार तक रेगुलरली करेंगे तो आपके घर में आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है और आप खुद ही अपने घर में जो फाइनेंशियल ऑरा है उसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। अब ये तो कुछ उपाय हो गए नौकरी और पैसों से रिलेटेड, लेकिन इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे लोग कर्जों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन जनरल भी काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए आप कौन सा उपाय बताना चाहेगी। तो एक बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल प्रयोग मैं आप सबको आज बताने जा रही हूँ जो स्पेशली जितने भी कर्जों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे आपको छुटकारा दिलाएगा। उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको क्या करना है, हर मंगलवार के दिन रेड कलर की आपको गाय ढूंढनी है, आपके आसपास आप देखिएगा जरूर मिल जाएगी, तो उस लाल कलर के गाय को आपने हर मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। अब लाल मसूर की दाल अगर आप थोड़ी भिगोकर खिलाएंगे तो गाय को चबाने में और पचाने में आसानी होगी, वो भी एक जीव है और आप सब जानते हैं कि गौ माता कितनी ज़्यादा पूजनीय है, तो आप अपनी तरफ से किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे तो वो कच्ची मसूर की दाल भी खा सकती है लेकिन कोशिश कीजिए कि उस लाल मसूर की दाल को थोड़ी देर भिगो के रख दे और उसके बाद वो भिगोई हुई दाल और थोड़ा सा गुड़ उस गाय को प्रणाम करके हर मंगलवार के दिन ज़रूर खिलाइएगा। याद रखिए गाय रेड कलर की होनी चाहिए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि मंगल से रिलेटेड ये सब कर्जों का काम है, तो इसलिए लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल गाय, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा कि तुरंत कुछ दिनों में रिजल्ट नहीं मिलेगा, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ रेमेडीज वर्क करने में टाइम लगता है, आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट होगा, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखिए और पूरे भक्ति भाव से उपाय कीजिएगा। 8 से 10 महीनों के अंदर धीरे धीरे आप पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर महसूस करेंगे। कर्जों से छुटकारा पाने के लिए और पैसों की प्राप्ति के लिए अब मैं आप सबको एक और पावरफुल और आसान उपाय बताती हूँ। ये उपाय आपको स्टार्ट करना है किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। उपाय कुछ इस प्रकार है, आपको क्या करना है, भौम स्तोत्र यानी जो अंगारक स्तोत्र होता है उस स्तोत्र का 8 बार एक आसन पे बैठ के पाठ करना है और ऐसा आपको करना है अगले 8 हफ्तों तक। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके जितने भी कर्जे हैं वो चुकाने में आपको बहुत फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। कर्जों से रिलेटेड एक और छोटी सी टिप मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और वो ये है कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कर्जा लेना हो यानी लोन लेना हो
तो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ट्यूसडेज डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए लोन लेने के लिए। तो लोन कब लेना चाहिए? अगर आपको लोन लेना है तो आप ले सकते हैं वेनसडे के दिन, और अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं तो उसे चुकाना है आपको फ्राइडे के दिन। अगर आप फ्राइडे के दिन लोन चुकाते हैं, यानी लोन से रिलेटेड पैसा अगर चुकाते हैं, तो ऐसे में आपका लोन बहुत ही आसानी से चुक जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ने अन्यायपूर्वक गलत कोर्ट केस कर दी हो, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग मैं आप सबको बताती हूँ। आपको क्या करना है, हर बुधवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद उनके ऊपर आपने 4 चम्मच तेल, खाने का जो भी नॉर्मल फल्ली का तेल होता है वो भी चलेगा, तो 4 चम्मच तेल, कुछ काले उड़द के दाने, काले उड़द की दाल जो होती है उसके दाने, और चुटकी भर नमक, ऐसा आपको अर्पण करना है। तो जैसा मैंने फर्स्ट उपाय में बताया था वैसा आप सब मिक्स भी कर सकते हैं। एक बॉटल में ऑयल ले लीजिए 4 चम्मच, उसमें काले उड़द की दाल के दाने डाल दीजिए कुछ, और चुटकी भर नमक डाल दीजिए। तो ये मिक्स करके भी आप चढ़ा सकते हैं, या इंडिविजुअली भी हनुमान जी के ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं। तो ऐसा बुधवार के दिन यानी वेनसडे के दिन हनुमान जी की मूर्ति पे आपको अर्पण करना है, और ऐसा करने के बाद हनुमान जी के सामने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर जो भी किसी ने गलत कोर्ट केस डाल दिया है तो वो रिटर्न ले ले और आपकी उसमें सफलता हो। उसके बाद उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहकर हनुमान वड़वानर स्तोत्र का आपने पाठ करना है। ये स्तोत्र भी आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाएगा, या फिर किसी भी पूजा के शॉप में आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी स्मॉल बुक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हनुमान वड़वानर स्तोत्र जो है ये बहुत पावरफुल है, और ये तभी वर्क करेगा अगर आप सच्चे हो, आपका दिल सच्चा है, आपने गलत कर्म नहीं किए हैं। तो अगर आप सही है और आपके ऊपर सच में किसी ने अन्यायपूर्वक गलत कोर्ट केस डाल दिया है, तो ऐसे में इस उपाय को करने से जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब बात हो गई नौकरी को लेकर, पैसों को लेकर, कर्जों को लेकर, और यहाँ तक कि कोर्ट केस को लेकर भी। अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, यानी जो इतना बड़ा पैंडेमिक आया हुआ है, जहाँ पे हर कोई यही बोले जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो इम्यूनिटी में आप सबको बता दूं कि एक दिन में तो बढ़ने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी आई नो कि आप सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ लोग गर्म पानी पी रहे हैं, कुछ लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आप सबको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेली जब राइज होना स्टार्ट करता है तब आपने सूर्य नमस्कार करने चाहिए, वो भी नेचुरल सनलाइट में। तो आप बालकनी में या टेरेस पे चले जाइए और वहां पे जाके आप मिनिमम 11 बार सूर्य नमस्कार कीजिएगा। इससे भी आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ उगते हुए सूरज को आपने अर्घ्य देना है। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, हर किसी को रेमेडीज में बताती हूँ। अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है और आपकी जो आत्मा की शक्ति है उसे अगर बढ़ाना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान सूरज की आप पूजा उपासना करें। और सबसे बेस्ट तरीका है कि उगते हुए सूरज को आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है कि कॉपर का आपको एक कलश ले लेना है, और उस प्योर कॉपर के कलश में आपने पीने का शुद्ध साफ जल भरना है, और उसके अंदर चुटकी भर हल्दी, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी जो कच्चे चावल होते हैं वो अक्षत डालने हैं, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डालना है, और लाल कलर का कोई भी फूल डालना है। रेड गेंदे का भी फूल चलेगा, गुलाब का चलेगा, गुड़हल का चलेगा, कोई भी चलेगा। अगर रेड फ्लावर नहीं है तो किसी भी फ्लावर को आप कुमकुम लगा दीजिए, जो रोली होती है उसे लगा के फिर उस पानी में आप डाल दीजिए। तो इस प्रकार कॉपर के कलश में पानी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, उसके साथ साथ रेड कलर का फ्लावर और गुड़ सब मिक्स करके उगते हुए सूरज को 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपने अर्घ्य देना है। ऐसा करने से यानी सूरज भगवान की जितनी ज्यादा आप पूजा करेंगे, जितना ज्यादा नेचुरल सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। अभी वेदर चेंज भी हो रहा है, समर खत्म होके अब रेनी सीजन की शुरुआत हो गई है, और वैसे भी बाहर इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो ऐसे में आप सबको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही है। इस दौरान अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर आपको सर्दी, जुकाम, माइग्रेन, साइनस जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप एक मंत्र का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम यम यम घंटाभ्याम नमः। इस मंत्र का अगर आप डेली 108 बार जाप करते हैं, तो कुछ महीनों के अंदर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको सर्दी, जुकाम, या फिर बुखार, खांसी, साइनस, या फिर माइग्रेन, जो जितनी भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी।
इसके अलावा जितने भी एलर्जिक पेशेंट्स हैं या फिर जितने भी लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर एलर्जी या इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों ने भी ओम यम यम घंटाभ्यम नमः इस मंत्र का डेली 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। उससे आप इस महामारी से भी बचे रहेंगे और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और सांसों से रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारी पावरफुल एंड इजी टिप्स एंड रेमेडीज आप सबके साथ शेयर की है, जिससे आप महामारी से यानी अभी जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक बाहर छाया हुआ है उससे बचे रहने में आपको हेल्प मिलेगी। तो उन वीडियोस की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन वीडियोस को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रीन तारा का मैंने उसमें मंत्र शेयर किया है, एक फ्रीक्वेंसी कोड भी मैंने शेयर किया है और उसके साथ साथ कार्तवीर्यार्जुन जो है उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है और उनके स्तोत्र के बारे में भी मैंने आपको रेकमेंड किया है। तो मेरे वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, उससे जितनी भी महामारी फैलती है उससे प्रोटेक्ट करने में खुद को आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप सबको पता है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगी और उससे आपके सामने और नए नए और भी ज्यादा यूजफुल वीडियोज में प्रेजेंट कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।